नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल पेट जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने इनको सॉफ्ट फूड जो दिया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो सॉफ्ट फूड है हमारे पास तो उबले हुए और भीगे हुए गेहूँ और बॉइल्ड राइस। ठीक है, एक लोट इन्होंने खा चुके हैं, थोड़ा और डाला है इनको, कम मुझे लगा कम पड़ गया इनको, तो ये आज इनका डाइट प्लान है। तो इनको आज जो दिया है वो इस तरीके से, ताकि इनको कैल्शियम सप्लीमेंट अगर देखें कार्बोहाइड्रेट का वो भी कंटेंट मिले, फाइबर भी मिले इनको अच्छी अच्छा खासा, तो उससे क्या होगा इनको एग लेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज होगा ये कि ये एग लेइंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, एग बाइंडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट और ये सारी चीज़ें देंगे, इनकी बोन्स डेंसिटी अच्छी होगी, तो इनके अंदर जब एग ले ये करते हैं तो इनके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करें बर्ड्स को प्रॉपर डाइट ज़रूर दें और अच्छा दें, और इनको क्लीन इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें, खाना गंदा नहीं दें। जैसा खाना हम खाएं वैसा कोशिश ये करें, उतना ही प्योरिटी में बना हुआ, उतना ही अच्छे तरीके से बना हुआ खाना इनको दें, ताकि ये फिर उस खाने को इंजॉय करता है। ठीक है, तो अगर हम इनको गंदा खाना देंगे तो ये बर्ड बीमार होगा। अगर गंदा साफ़ सुथरा खाना देंगे तो बर्ड भी हेल्दी रहेगा, आपको नुकसान कम से कम होंगे और आप भी परेशान कम से कम होंगे। देखिए कितने मज़े से ये इंजॉय कर रहे हैं, देखिए आपस में दाने को शेयर करते हैं, ये आपस में मतलब खेलते भी रहते हैं। अगर बर्ड हेल्दी होंगे, देखिए ये बर्ड अपने विंग्स की ट्रिमिंग कर रहे हैं, ये अपने वो देखिए, ये देखिए इस तरीके से। धूप में आने के लिए तो इनको एनर्जी आ जाती है, अगर धूप मिलती है इनको बहुत ही अच्छी एनर्जी इनको मिलती है। तो और कोई सवाल हो आप सभी का तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, ताकि हम भी इंस्पायर हों और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।